लेट्स कम्पेयर जस्ट इन टाइम एंड ट्रेडिशनल मैनुफेक्चरिंग सिस्टम ये पिछले मॉड्यूल्स के अंदर कई जगहों पर uh, मैंने बताया भी है कि uh, क्या डिफरेंस है किस हिसाब से बट लेट्स समराइज दैट देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट एरियाज जहाँ के दोनों का कंपेरिजन किया जा सकता है वन इज इन्वेंट्री ट्रेडिशनल मैनुफेक्चरिंग सिस्टम के अंदर जो हम करते आए हैं वो बेसिकली ये करते रहे हैं कि फोकस ये रहा है कि हमारा जो मटेरियल uh, फ्लो है वो स्मूथ नजर आए अब अगर कहीं प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम को इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट जी उसके कॉजेस क्या हैं और उसको करेक्टिव उसमें मेजर में लेकर आया जाए मैनेजमेंट क्या करती है कि वो उधर क्योंकि स्मूथ फ्लो चाहिए तो आसान काम ये नजर आता है कि जी इधर हम इन्वेंट्री uh, रख लें सो दैट इन्वेंट्री से फ्लो होता जाएगा अगर कभी कोई ब्रेक डाउन होता है कोई क्वालिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं तो स्टिल मार्केट को मटेरियल मिलता रहेगा तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में इन्वेंट्री का जो काम नजर आता है वो है कि प्रॉब्लम्स को uh, एक किस्म का वो हाइड करते हैं और मटेरियल स्मूथ फ्लो करने की कोशिश होती है जबकि जस्ट इन टाइम के अंदर uh, जो इन्वेंट्री है उसको मिनिमम लेवल के ऊपर लेकर जाते हैं कि जो वो लेवल जहां ऑपरेशन इसके बगैर नहीं हो सकता लेकिन वो अचीव करने के लिए क्या तरीका है वो अचीव करने का है कि इन्वेंट्री को स्लोली रिड्यूस करें एक साथ सारी इन्वेंट्री रिड्यूस ना करें बल्कि थोड़ा थोड़ा करके दैट इज पार्ट ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम के अंदर उसको रिड्यूस करें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होए उसको प्रॉब्लम को रिमूव करें उसके कॉजेस को रिमूव करें एंड देन जब स्मूथ फ्लो शुरू हो जाए देन अगेन रिड्यूस इन्वेंट्री एंड सी कि अब कौन सा प्रॉब्लम uh, आता है नजर आता है जो कि फिर उसको रिमूव किया जाए उसके कॉजेज को रिमूव किया जाए क्वालिटी का प्रॉब्लम आता है कि डिफेक्टिव ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका जो कॉज है उसको रिमूव किया जाए और अनटिल सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव हो जाए और एक स्मूथ फ्लो मटेरियल को ये मैंने आपको बोट ऑन रिवर बेड वो एनॉलोजी जो बताई थी नीचे रॉक्स हैं ऊपर बोट है तो उसके बेसिस के ऊपर हम अपने इन्वेंट्री को रिड्यूस करते हुए अपने सारे प्रॉब्लम एलिमिनेट कर दें सो दैट इज बेसिकली जस्ट इन टाइम का इन्वेंट्री के हिसाब से कंपेरिजन है डिलीवरीज uh, जो होती हैं वो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लार्ज डिलीवरीज होती हैं और लार्ज होने की वजह से बहुत कम डिलीवरीज की जाती हैं तो लार्ज क्वांटिटीज होती हैं और कम की जाएंगी फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो थाउजेंड था। एक वक्त में ही कर देंगे सो देर विल बी ओनली वन डिलीवरी ऑफ थाउजेंड यूनिट्स ऑन द अदर हैंड जस्ट इन टाइम के अंदर दे विल हैव फ्रीक्वेंट डिलीवरीज ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटी सो दैट जो इन्वेंट्री है वह बिल्डअप ना हो तो स्मॉल क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल अगर 10 यूनिट की करते हैं तो देर विल बी हंड्रेड डिलीवरीज सो मेनी डिलीवरीज होंगी बट ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज लॉर्ज साइज क्योंकि उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना होता है सेटअप टाइम उनका बहुत ज्यादा होता है मैंने एग्जाम्पल दी थी अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जहां सेटअप टाइम स्विचिंग फ्रॉम वन मॉडल टू अनदर मॉडल दे टेक ऑलमोस्ट एट आवर्स तो एक आठ घंटे की शिफ्ट शटडाउन हो जाती है तो वो जो शटडाउन होती है उसकी जो कॉस्ट है वो फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है ओवर लार्ज नंबर ऑफ कार्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं तो वो फिर लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्शन करते हैं जैपनीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दे हैव अचीव लेस देन टेन मिनट्स का चेंज ओवर टाइम तो उस टेन मिनट्स के बेसिस के ऊपर इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजेबल तो दे कैन प्रोड्यूस वेरी स्मॉल क्वांटिटी और कई होंगे शॉर्ट रन एक, एक दो दो यूनिट के पांच यूनिट के करके वो चेंज ओवर करेंगे दूसरे मॉडल के ऊपर फिर दो तीन प्रोड्यूस करके तीसरे पर सो इट विल बी स्मॉल लॉट साइज बट चेंज ओवर मेनी टाइम्स अगेन जो सेटअप है अगेन जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में फ्यू सेटअप जैसे मैंने कहा लेट से ए मॉडल ए का जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है वो हंड्रेड यूनिट्स है बी के एटी यूनिट्स है सी के सिक्सटी यूनिट्स है तो प्रोडक्शन कैसे होगी हंड्रेड ए प्रोड्यूस होंगे फिर बी के होंगे फिर सी के होंगे सो देर विल बी ओनली ट्वाइस जो सेटअप्स हो रहे हैं ठीक है चेंज ओवर्स हो रहे हैं ऑन द अदर हैंड यही जस्ट इन टाइम के अंदर प्रोबेबली पांच यूनिट्स ए के प्रोड्यूस होंगे फिर चार यूनिट्स बी के होंगे तीन यूनिट सी के होंगे फिर ए के पांच होंगे चार बी के तीन सी के एंड सो ऑन सो देर विल बी बहुत ज्यादा ये चेंज ओवर्स होंगे बट क्वांटिटी बहुत स्मॉल होगी स्मॉल रन होंगे वेंडर्स uh, जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में मैंने बताया था कि वो कई वेंडर्स होते हैं और उनको आपस में कम्पीट कराते हैं बाय कम्पेटेटिव बिल्डिंग सो दैट वो जो मटेरियल की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके uh, ये हमारे इधर भी यही होता है कि एक को कहते हैं वो कहता है कि जी मैं सौ रुपए का दूंगा तो दूसरे के पास जाते हैं उसको बताते हैं वो सौ का दे रहा वो है वो कहता है नाइन्टी एट का दूंगा वो पहले के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि जी वो 98 का दे रहा है तो वो ऑल रिड्यूस ट्राई टू रिड्यूस कंपीट सप्लायर्स को आपस में कर बट नॉट इन जस्ट इन टाइम जस्ट इन टाइम में सप्लायर्स आर पार्टनर्स ऑफ द बायर तो उसके अंदर पार्टनरशिप के बेसिस के ऊपर फिर सारा काम चलता है और ट्रस्ट बिल्ड होता है और अच्छा मटेरियल मिलता है uh, क्योंकि बायर सप्लायर की सपोर्ट हेल्प कर रहा होता है

रोबोट्स यूज करने लग जाएंगे तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वर्कर जो है वो इतना लॉयल नहीं होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितना जस्ट इन टाइम के अंदर सिस्टम में है क्योंकि जस्ट इन टाइम सिस्टम के अंदर वर्कर को एज एन एसेट कंसिडर किया जाता है और उसको आसानी के साथ फारिग नहीं किया जाता अगर बैड टाइम्स पड़ रहे हो कंपनी के ऊपर तो वो उसको कहीं और लगा देंगे उसको यूज करेंगे और जो वर्कर है वो भी देखते हुए कि देयर इज प्रॉब्लम विद द कंपनी कंपनी को कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी उनकी हेल्प करेंगे अपनी सैलरीज और टाइम बिंग कम लेंगे सो दैट कंपनी रिकवर कर जाए और फिर कंपनी के साथ ग्रो करने का उनका कॉन्सेप्ट होगा और वो यही देखेंगे कि कंपनी जो है वो ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो करेंगे तो इस वजह से उनका जो ट्रस्ट है अपनी कंपनी पर बहुत ज्यादा होता है और वो सिक्योर फील करते हैं जो कंपनी है जस्ट इन टाइम जिसने इंप्लीमेंट किया हुआ है वो भी अपने वर्कर्स को एक एसेट के तौर पे कंसीडर करते हैं